श्रीकाल। पंजाब से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि पंजाब में जो इलेक्शन की डेट है वो एक्सटेंड कर दी है। जी हाँ, पहले जो पंजाब में 14 फरवरी को इलेक्शन होने वाले थे वो अब 20 फरवरी को इलेक्शन तारीख इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दिया। उसकी वजह बताई जा रही है 16 फरवरी को होने वाले गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती, और उस जयंती में कम पंजाब में ऐसा माना जा रहा है कि 20 लाख लोग पंजाब से यूपी आएंगे उनकी जयंती मनाने के लिए, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन और कई पार्टियों की सुझाव के बाद, सबसे पहले इसका बीएसपी ने आवाज उठाई थी, उसके बाद चन्नी साहब ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर इस बात की पुष्टि करवाई कि डेट को बढ़ाना चाहिए, वरना जो पंजाब में लोग अपना वोट नहीं दे पाएंगे, 20 से 25 लाख लोग अहमियत रखते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने डेट को बढ़ा दिया है। 14 फरवरी की जगह अब 20 फरवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो 10 मार्च को ही आएगा। 5 राज्यों में जो इलेक्शन है, 5 राज्य के जो रिजल्ट है वो 10 मार्च को ही आएंगे। तो थोड़ी बात पंजाब की राजनीति पे कर ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति हम सब की नजर में है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की इलेक्शन को ही दिया जा रहा है, लेकिन आज कुछ बात पंजाब से कर ले, क्योंकि पंजाब से बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में जो इलेक्शन की तारीख है वो अब 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी हो गई है। तो थोड़ी सी बात कर ली जाए पंजाब की, तो पंजाब में 117 सीट है विधानसभा के, जिसमें पहले 14 फरवरी को इलेक्शन होने वाले थे जो अब 20 फरवरी को होंगे। इसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है पंजाब चुनाव को लेकर, इसमें दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहला किसान आंदोलन, आपको याद होगा कि पिछले एक साल से दिल्ली के जो बॉर्डर पर, अलग अलग बॉर्डरों पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे अपने किसान आंदोलन को वापस लेने के लिए, उसकी वजह से एक अलग पार्टी बन के उभरी है, किसान पार्टी। इस बार पंजाब में पंचकोणीय नजारा देखने को मिलेगा। सबसे पहले बीजेपी, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और किसान संगठन। जी हाँ, ये 5 लोग इस बार पंजाब में मुख्य चेहरा बनकर उभरे हैं। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल थी वो पहले गठबंधन में थी, लेकिन इस बार शिरोमणि अकाली दल अकेले चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और बीजेपी। उसके बाद जो 5वां नाम है वो किसान संगठन का है। एक माना जा रहा है कि किसान संगठन अपने आप में एक पूरी टीम है, पूरी तरह से वो तैयार है पंजाब चुनाव को लेकर। तो पंजाब के इतिहास की बात अगर कर ले तो पंजाब ही एक ऐसा वो राज्य है जहां से राष्ट्रपति शासन शुरू हुआ। कांग्रेस की सरकार शुरू से पंजाब में, आपको शायद ये बात पता होगा कि पंजाब में अब तक 22 चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिसमें से 14 कांग्रेस पार्टी से ही हैं। तो कांग्रेस के जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे गोपी चंद भार्गव, उनके बीच में अंदरूनी कलह हुई, उसके बाद किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था, जिस वजह से पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन यानी संविधान का 356 आर्टिकल इस्तेमाल किया गया और पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद ये जो राष्ट्रपति शासन था वो 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक रहा। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन की हम बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा वक्त राष्ट्रपति शासन लगा रहा वो आप और हम बेहतर जानते हैं, वो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात हमेशा से अस्थिर रहे हैं, कभी भी वहां पर नॉर्मल स्थिति नहीं रही है, चाहे वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वजह से हो या कोई भी राजनीतिक कारणों से हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति कुछ खास नहीं रही है। अगर सबसे कम वक्त के लिए बात किया जाए तो वो बिहार राज्य है, जहां सिर्फ 8 दिनों का राष्ट्रपति शासन लगा था, 16 से 29 दिसंबर 1976। तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में 6 सालों का राष्ट्रपति शासन और सबसे कम बिहार में 8 दिनों का राष्ट्रपति शासन लगा था। लेकिन जो पंजाब में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, अगर उसे कुल मिला लिया जाए तो वो 3510 दिनों का राष्ट्रपति शासन होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा है पंजाब में राष्ट्रपति शासन, लेकिन एक लंबे समय के लिए जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। उसके बाद बात करने जाति और धर्म की, तो पंजाब में 58% सिख है। हम सब जानते हैं कि पंजाब एक सिख बहुल राज्य है, लेकिन जो वहां पकड़ है, चुनावी पकड़ उसको जिसमें है वो जाटों की है। जाटों की पकड़ काफी अच्छी है। 1996 में पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया, जिससे पंजाब अलग होकर हरियाणा एक अलग राज्य बना, और 1996 से आज तक कोई हिंदू सीएम नहीं बना है पंजाब में, हमेशा से सिख सीएम ही रहे हैं। पंजाब के इकलौते जो सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह है वो भी पंजाब से हैं। 1982 से 1987 में
उनका कार्यकाल रहा, जिसमें ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी जी की हत्या और सिख विरोधी दंगे, इन सब वजहों से यानी जैल सिंह चर्चित रहे या कह सकते हैं कि बदनाम रहे कि ब्लू स्टार उन्हीं के दौर में हुआ था। उसके बाद पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग राष्ट्रपति दिए। जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति यानी जैल सिंह है वो इकलौते सिख राष्ट्रपति हैं, और मोहम्मद जियाउल हक जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है 1978 से 1980 में, वो भी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। 1924 में वो पंजाब में जन्मे थे। अब बात करते हैं मनमोहन सिंह की, जो 2004 से 2014 यानी 10 साल का कार्यकाल रहा, वो भी पंजाब से बिलोंग करते हैं और पंजाब से, लेकिन जो उनका जन्म हुआ था वो गांव में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। तो एक तरह से देखें तो भारत का जो प्रधानमंत्री है उनका जन्म स्थल पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री इमरान खान है उनका जन्म स्थल भारत है यानी कि जालंधर। तो जो बंटवारे के बाद इमरान खान के परिवार चला गया पाकिस्तान, लेकिन जो जन्म स्थल कहे वो हिंदुस्तान है इमरान खान की। तो ये पंजाब के लिए हिस्टोरिकल बात है कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वो पाकिस्तान में जन्मा, और जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो भारत में जन्मा। तो ये सब इतिहास है पंजाब के लेकर, तो इसलिए पंजाब एक अलग राज्य अपने आप में हो जाता है। तो जो पंजाब है वो सबसे ज्यादा दलितों का राज्य है, इसके बावजूद यहाँ जाटों का कब्जा है। 20% जो वोटर है वो जाट है। अब बात करते हैं थोड़ा एससी आबादी की, तो पंजाब में जो एससी आबादी है वो 32% है, हिमाचल प्रदेश में 25%, वेस्ट बंगाल में 23%, और अपने उत्तर प्रदेश में 20-21% एससी है, वहीं हरियाणा में भी 20-21% एससी है। तो ये थे पंजाब से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते हो, जो चुनाव में रणनीति बदल सकते हैं, राजनीति बदल सकते हैं, ये सब जाट दलित मिलकर। तो इस बार पंचकोणीय रणनीति होने वाली है पंजाब की राजनीति में। सबसे पहला नाम कांग्रेस, कांग्रेस हमेशा से पंजाब में एक दबदबा कायम करके रखी है, उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, और जो आखिरी में है किसान संगठन। किसान आंदोलन के बाद एक अलग ही संगठन बना है किसानों का, तो वो भी इस बार पूरी तरह से भागीदारी है राजनीति में पंजाब की। तो खैर ये थे पंजाब से जुड़े कुछ फैक्ट, और पंजाब की राजनीति में आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। बाकी 5 राज्यों में जो भी इलेक्शन से जुड़े तमाम खबरों को आप अपडेट कराते रहेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा। तो खैर फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ, और देखते रहे दी कंटा।